प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की सफलता के उपरांत आज उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में संयुक्त पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2020 की परीक्षा शुरू हो चुकी है। यह परीक्षा दो पालियों में संपन्न होगी, जिसमें प्रथम पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक कराई जाएगी, जिसमें कोरोना को देखते हुए सुरक्षात्मक दृष्टि से विशेष व्यवस्था की गई है। वहीं पर अमेठी जिले में कुल 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें रणवीर इंटर कॉलेज भाग 1 और भाग 2 के साथ राजकीय महिला पॉलिटेक्निक तथा शिवप्रताप इंटर कॉलेज को सेंटर बनाया गया है। अमेठी जिले में कुल 1370 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा सिर्फ राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में होगी, जिसमें 302 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। पूरी परीक्षा में 4 स्टेटिक मजिस्ट्रेट, जिसमें 2 नायब तहसीलदार, 2 तहसीलदार के साथ 2 पुलिस उपाधीक्षक, 4 प्रभारी निरीक्षक, 8 उप निरीक्षक, 20 पुरुष सिपाही तथा 8 महिला सिपाही की ड्यूटी लगाई गई है। अमेठी से रणविजय सिंह की रिपोर्ट, SKH न्यूज। आज पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराई जाती, कितने बच्चे और कितने सेंटर पे परीक्षा है और क्या व्यवस्था की गई है? पूरे उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा ग्रुप ए और ग्रुप ई की आज संपन्न हो रही है, जिसमें सभी 78 जनपदों को चुना गया है। आज जनपद अमेठी में प्रथम पाली में, जिसको हम ग्रुप ए एग्जाम कहते हैं, जो हमारा इंजीनियरिंग कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उसमें कुल 1370 छात्र अपीयर हो रहे हैं। कुल 4 परीक्षा केंद्र हैं, रणवीर इंटर कॉलेज में पार्ट ए पार्ट बी, उसके बाद शिवप्रताप इंटर कॉलेज और उसके बाद राजकीय महिला पॉलिटेक्निक अमेठी। इन 4 केंद्रों पर परीक्षा संपन्न कराई जा रही है। ग्रुप ए की जो प्रथम पाली है 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक, सेकंड पाली में ग्रुप ई की परीक्षा कराई जा रही है, जो राजकीय महिला पॉलिटेक्निक अमेठी में ही संपन्न होगी। उसमें कुल 302 छात्र हैं जो राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में परीक्षा देंगे। पूरे प्रदेश में इस परीक्षा को कराने के लिए और कोरोना काल को प्रोटोकॉल को देखते हुए सभी केंद्रों पर ये निर्देश स्पष्ट दिए गए थे कि सभी केंद्रों का सैनिटाइजेशन कार्य होगा, सभी छात्रों की हम थर्मल स्कैनिंग करेंगे और थर्मल स्कैनिंग करने के बाद ही छात्र को कक्षा में प्रवेश देंगे। उसके अलावा हमने साथ साथ सभी बच्चों के हाथों को भी सैनिटाइज किया है। इसके अलावा ऐसा यदि कोई ऐसा छात्र आता है जिसका तापमान बढ़ा हुआ है, तो उस स्थिति में उसके लिए अलग से आइसोलेट रूम बनाया गया है, जहाँ पर बच्चा अपनी परीक्षा देगा और परीक्षा देने के बाद वो अपना चला जाएगा। किसी भी छात्र को परीक्षा से वंचित नहीं किया जा रहा है और सभी छात्र परीक्षा में सम्मिलित होंगे। यदि किसी कोई ऐसी स्थिति आती है जिसमें तापमान बढ़ा पाया जाएगा, तो बच्चे की परीक्षा हम अलग कक्ष में